ये ड्रग फ्री कश्मीर एक इवेंट कश्मीर स्पीक्स का एक एनजीओ है, बहुत सोशल वर्क ड्रग पे करता है, यूथ की एनर्जी चैनलाइज करने पे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, उनके खाना बसाना होगा, उनमें शहर खास में भी ऐसे बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो ऐसे इनिशिएटिव्स जारी रखते हैं। आज का भी जो बाइक रैली थी फ्रॉम दरगाह हजरतपुर टू दरगाहचार्य दरगाह से शुक्राचार्य, ये एक इवेंट कुछ मैनिफेस्ट एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट ड्रग माफियाज। और यहाँ पे हमारे एसपी साहब भी हैं, एसपी हजरतपुर साहब भी, उनका भी बहुत ताउन रहा है, उनका भी बहुत रोल है कि नॉर्थ सीड अगर में जो ड्रग मैनेस है उसको कितना कंटेल किया गया है पिछले एक दो साल में। एक ड्रास्टिक डिफरेंस जो आई है नॉर्थ श्रीनगर हजरतपुर एरिया में, ओवरऑल इन श्रीनगर सिटी पिछले एक डेढ़ साल में इन ड्रग्स को कंट्रोल करने में, उन ये भी मुबारक बाद में इनको देता हूँ और इनकी टीम को भी देता हूँ। और फिर से कश्मीर स्पीक्स को अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये रैली हो रही है, ये रैली हमारी यूथ के लिए है। ये इसका मेन मोटिव यह है कि जो आज का नया यूथ है, जो आजकल के छोटे बच्चे, वो ड्रग्स से दूर रहें। ऐसे जो भी गलत काम आज के हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, कितना मैनर्स चल रहा है, पुलिस भी परेशान है, तो ये हम लोग हमारे सर लोग ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे हमारा यूथ थोड़ा डाइवर्ट हो जाए अच्छे अच्छे कामों की तरफ, जैसे कि बहुत सारी गेम्स हुई, ये बाइक राइडिंग भी एक गेम है, एक स्पोर्ट है, तो हम इस स्पोर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इस एक ये एक हिसाब से एंटी ड्रग रैली है कि हम ड्रग्स के इस ये रहे ड्रग्स के बगैर। और मोस्ट ऑफ ऑल एक बात है कि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। अगर कोई लड़का घर से निकल रहा है बाइक राइडिंग करने के लिए तो हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट इज़ नेसेसरी, तो मैं भी हेलमेट लगा लेता हूँ।